ओके, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का विंटर ट्रेनिंग आग के 5वें एपिसोड में। आज हम लेग्स ट्रेन करने वाले हैं, पर आज का प्लान थोड़ा सा अलग होगा। कल के 10 किलोमीटर रन के बाद मैं ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस था कि आज मेरे कौन से मसल ग्रुप्स और जॉइंट्स सोर होते हैं। सो यूजुअली अगर मेरी रनिंग की हिस्ट्री देखी, एटलीस्ट मेरे नीज़ और मेरी लोअर बैक हमेशा सोर होती है, पर इस बार मेरा लेफ्ट नी इज़ ऑल ओके, राइट नी थोड़ा सा सोर है, राइट ग्लूट सोर है और मेरी लोअर बैक सोर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम लेग्स पूरी तरीके से स्किप करेंगे, बस हमारा जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है उसमें थोड़े से चेंजेस लेंगे। बेसिकली लोअर बैक सोर होने की वजह से मैं ऐसी कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं करूँगा जिस पे लोड मेरे बैक के ऊपर होगा, बिकॉज दैट विल स्टार्ट इन्वॉल्विंग द स्पाइन और आपकी लोअर बैक उस वेट को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करती है। इसीलिए मोस्ट लाइकली हम हैक स्क्वाट्स नहीं लगाएंगे। क्वाड्स की अगर बात की तो मेरी मेन मूवमेंट होने वाली है लेग एक्सटेंशन, और टोटल क्वाड वॉल्यूम विच आई वॉन्ट टू शूट फॉर टुडे वुड बी 10 सेट्स ऑफ क्वाड्स। और हैमस्ट्रिंग्स की अगर बात आई तो हैमस्ट्रिंग्स सोर नहीं है रन की वजह से, बट हैमस्ट्रिंग्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो बहुत आसानी से सोर होता है। हैमस्ट्रिंग्स का जो वॉल्यूम टॉलरेंस है एटलीस्ट मेरे लिए वो बहुत कम है, इसीलिए 6 टोटल हैमस्ट्रिंग्स के सेट्स में हमारा काम हो जाएगा। उसके मैं ऐसे स्प्लिट करूँगा, 3 सीटेड कर्ल और 3 लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, जस्ट फॉर सम वैरायटी। मुझे वैसे लेग प्रेस करना है, पर एट दिस पॉइंट आई एम नॉट टू श्योर कि हम लेग प्रेस कर पाएंगे कि नहीं। बस इस नी सोरनेस और लोअर बैक सोरनेस की वजह से मुझे फुल्ली पता नहीं है इफ इट्स द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू और नॉट, पर हम एक काम करेंगे, हम लेग एक्सटेंशन के साथ हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मेरे क्वाड्स थोड़े से प्री एग्जॉस्ट होंगे। उस फटीग स्टेट में अगर मे बी हमने लेग प्रेस किया, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, पर एटलीस्ट पहले 6 या पहले 5 सेट्स क्वाड्स के हम लेग एक्सटेंशन पे करेंगे। एक और चीज़, क्योंकि आज लेग डे है, आज शाम को भागने में थोड़ा सा मेंटल चैलेंज आने वाला है। कल इन माई ओपिनियन रनिंग का सबसे कम्फर्टेबल दिन रहता है, बिकॉज लेग्स या इन जनरल लोअर बॉडी सोर नहीं रहती, पर लेग डे के बाद भागना एक टास्क बन जाता है, बिकॉज हम जिस इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हैं उसकी वजह से टूवर्ड्स इवनिंग टाइम सोरनेस धीरे धीरे चालू होता है। इवन कल मैंने आर्म्स ट्रेन किया था, ट्राइसेप्स बाइसेप्स सोर होने लगे थे बाय इवनिंग। सो लेग डे की ये सबसे पेनफुल चीज़ रहती है, बट कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हो जाएगा। वैसे कल रात की नींद बहुत अच्छी से कंप्लीट हुई। मंडे से मैंने नोटिस किया है मेरी स्लीप क्वालिटी, और इन जनरल यार मैं एक बच्चे की तरह सो रहा हूँ, प्रॉबली बिकॉज मेरा जो एफर्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है। एंड फनी चीज़, ओके, इट वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस। 4 साल पहले तक मुझे बहुत स्लीपिंग इश्यूज़ आते थे, रात को नींद ही नहीं आती थी। नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, प्रॉबली उसका रीज़न था कि मैं दिन के जो भी 16 घंटे रहते हैं उसमें थकता ही नहीं था। मैं जिम जाता था, पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करता था 2 घंटों के लिए, मस्त खाता था, चिल करता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज नो सच फिज़िकल एफर्ट। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था 3 साल पहले कि रोज़ 10,000 स्टेप्स चलेंगे, एंड उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट द ह्यूमन बॉडी कैन टेक अ लॉट ऑफ पनिशमेंट, वो अडेप्ट करती रहती है। अभी मेरे लिए 15,000 स्टेप्स कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अनदर नॉर्मल डे। एंड अच्छी चीज़ है कि अब रन्स ये हो रहा है धीरे धीरे, और आई एम ट्राइंग टू से अ 5 किलोमीटर रन इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर मी नाउ, तो ह्यूमन बॉडी बहुत टॉलरेट कर सकती है, उसे हमेशा याद रखना। सैडली आज कोई वर्ल्ड कप की मैच नहीं है, बट आई थिंक ये उनकी स्ट्रैटेजी है, दे वॉन्ट अस टू वेट अ लिटल बिट, क्योंकि कल इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया है और मोस्टली मैं और आर्यन मैच को साथ में देखने वाले हैं। पर हमारा एक बहुत ही स्टूपिड सुपरस्टिशन है कि जब भी हम दोनों साथ में मिलके एक इंडिया की मैच देखते हैं तो इंडिया कभी नहीं जीतती। बहुत ही स्टूपिड है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम दोनों साथ में बैठ के एक मैच देख रहा है और इंडिया जीती है, कभी नहीं। उसको भी पूछ सकते हो आप, 0 रिकॉलेक्शन। इसीलिए हमें भी थोड़ा नर्वसनेस आता है इवन दो हम मैच नहीं खेलते, लाइक विराट कोहली को आना चाहिए नर्वसनेस, पर हमें आ रहा है। पर लेट्स सी, तो हम आज रात को डिसाइड करेंगे कि कल मैच देखनी है कि नहीं। बहुत ही सीरियस हो गया है ये इशू, इंडिया कभी नहीं जीती है, वी फील लाइक इट्स इन आवर हैंड्स नाउ।
कल पता चलेगा, अगर हम साथ में मिलके मैच देखेंगे और अगर इंडिया हार जाएगी देन इट्स ट्रू। यह हमारा आखिरी स्कूप है इलेक्ट्रोलाइट्स का। कल से मुझे ORS लाना है दवाई वाली फार्मेसी दुकान से, बट दैट इज़ ओवर। इसे पियेंगे, बादाम खाएंगे एंड वील हेड टू द जिम। ऑल्सो लेग डेज आजकल थोड़े से लंबे चलते हैं। यूजुअल ट्रेनिंग सेशंस एक घंटे में या 1 hour 15 minutes में ख़त्म होता है, बट लेग्स के लिए मैंने एडक्टर्स को ऐड किया है, वो भी आप आज देखोगे। एडक्टर्स बहुत ही सिंपल होता है, वो एक मशीन होती है, वो लड़कियाँ करती है ना ऐसे in out to in वो सब। तो उस मशीन पर मैं बैठता हूँ और 5 sets या 6 sets लगाता हूँ, बट इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। मुझे अपने हिप फ्लेक्सर्स में बहुत पेन आता था, प्रॉब्ली बिकॉज वो बहुत वीक थे। सो जब से मैंने आइसोलेट करना चालू किया है, माई हिप पेन हैज़ गॉन अवे कम्प्लीटली। और थिंक अबाउट इट वेरी लॉजिकली, ओके, आपके जो क्वाड्स है अगर पूरा ऐसे सर्कम्फ्रेंस मेजर किया तो सिर्फ आपके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पर ये जो बड़ा स्लैब है दिस इज़ ऑल्सो अ मसल, राइट? तो वो जितना ज़्यादा पॉप होगा उतने आपके लेग्स ह्यूज दिखेंगे, एटलीस्ट इल्यूजन वाइज एंड इवन टेप मेजरमेंट वाइज। इसीलिए आई एम हैविंग फन सो फार। सोर हो रहा है बिकॉज आदत नहीं है ट्रेन करने की, बट दे आर रिकवरिंग जस्ट फाइन। सो 5 to 6 sets ऑफ एडक्टर्स आफ्टर क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स और फिर काल्स। सो काफ़ी लंबा वर्कआउट होता है बट इट्स फन, लेट्स गो। आई वुड बी लाइंग अगर मैं कहता कि मुझे इन पिछले 4 runs का फटीग महसूस नहीं हो रहा, बिकॉज अभी मेरी एनर्जी थोड़ी सी जैप्ड लग रही है, ऐसे किसी ने ड्रेन किया ऐसे लग रहा है, बट वी आर स्टिल पुशिंग इट। लेग एक्सटेंशन पे मैंने एक टेक्निक चेंज बनाया है। पहले जब मैं लेग एक्सटेंशन करता था सीट थोड़ी सी आगे हुआ करती थी, जिसकी वजह से मेरा जो पूरा टॉर्सो है वो स्लाइटली आगे की ओर बेंट हुआ करता था। उससे मुझे एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर मिलता था, पर नीचे के पॉइंट पे वो जो पैड रहता है दैट यूज़ टू हिट द बॉटम वेरी अर्ली, जिसकी वजह से मुझे क्वाड्स में एक पूरा स्ट्रेच नहीं मिलता था। सो मैंने सीट को सेटिंग नंबर 2 से सीधा सेटिंग नंबर 5 तक लगा दिया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम रिक्लाइनिंग बैक। इससे दोनों पीक कॉन्ट्रैक्शन और बॉटम पोजिशन पर मुझे अपने क्वाड्स पर एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। और मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो भी टेक्निक रिफाइनमेंट्स है वो क्यों करता हूँ? नॉट टू लिफ्ट द मोस्ट अमाउंट ऑफ वेट बट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ ईच सेट। सो इतने टाइम जब मैं लेग एक्सटेंशन कर रहा था वो स्ट्रेच मिस आउट होने की वजह से आई वॉज लूजिंग आउट ऑन सम बिट ऑफ हाइपरट्रॉफी, आई एम श्योर। इसीलिए अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे हर सेट से एक बेहतर स्टिमुलस मिल रहा है। सो 4 sets अभी तक हो गए हैं, अब आइदर हम और 2 sets करेंगे या हम लेग प्रेस पे जाके थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, पर आई एम फीलिंग माई राइट नी जस्ट अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द रन। सो मे बी हम विदाउट एनी वेट एक वार्म अप सेट लगाएंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट क्लिप लेग प्रेस की नहीं दिखती, इसका मतलब मैंने वो डिच किया है और हम लेग एक्सटेंशन पे कंटिन्यू कर रहे हैं।
नॉट गोना लाई, ये मूवमेंट काफ़ी अच्छी फील करी। ये मैं पिछले साल अनीश के साथ लगाता था, रिवर्स हैक स्क्वाट। इससे ग्लूट्स बहुत अच्छे से टारगेट होता है और ये प्लेटफॉर्म एलिवेटेड होने की वजह से मुझे डेप्थ हिट करने में आसानी होती है विदाउट हील एलिवेशन और विदाउट स्क्वाट शूज़। पर मैंने ये रियलाइज़ किया सेट करने के बाद कि कल के रन की वजह से हमारी लोअर बैक थोड़ी सी सोर थी, विच इज़ वाई मे बी ये स्मार्टेस्ट डिसीजन नहीं था। पर ये पॉइंट मैं अगले लेग डे के लिए याद रखूँगा। अगले लेग डे पे मोस्ट लाइकली हमारी लोअर बैक सोर नहीं होगी क्योंकि मेरी बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू द रन्स, तो हम मे बी इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पर लेग एक्सटेंशन के हार्ड सेट्स करने के बाद हमारे क्वाड्स प्री एग्जॉस्ट हुए, सो ज़्यादा वेट भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। पर वील स्टिक टू द लेग प्रेस, नीज ठीक है, सो हम प्रॉबेबली एक हाई रैप लेग प्रेस का सेट लगाएंगे। आई एम थिंकिंग आइदर 10-20 या 15-25, इससे ज़्यादा लोड हैंडल नहीं करना पड़ेगा, प्लस क्वाड्स ऑलरेडी बहुत बर्न हो गया, सो नो पॉइंट इन गोइंग हैवी। फेलियर तक जाएंगे तो मे बी 3 प्लेट्स रैप आउट करेंगे लेग प्रेस पे। सो क्वाड्स के इन टोटल 10 सेट्स हो गए हैं। लेग प्रेस पे स्विच करने की आइडिया काफ़ी अच्छी थी, लोअर बैक की जो भी इन्वॉल्वमेंट थी वो पूरी तरीके से हट गई। सो हमने रिवर्स वी स्क्वाट पे एक सेट किया, लेग प्रेस के दो, और फिर जस्ट टू फिनिश ऑफ माय क्वाड्स हमने लेग एक्सटेंशन पे एक लास्ट सेट किया। कम्स डाउन टू 10। अब हैमस्ट्रिंग्स, एडक्टर्स और काव्स बचे हैं। लाइक हमारा ट्रेनिंग सेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बस मुझे अपना क्वाड का पम्प चेक करना है, बिकॉज बाकी के जो भी मसल ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स या 50 मिनट लगेंगे, तब तक क्वाड का पम्प चला जाएगा। सो लेट्स गो, थोड़ा मैं आगे जा सकता हूँ। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग विथ। वाओ, पम्प्ड। क्वाड्स जब ऐसे पंप हो जाते हैं उनको फ्लेक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे पत्थर जैसे बन जाते हैं, ऑल दैट ब्लड फ्लो, बट सुपर हैप्पी। Ugh.
या गो, होल्ड 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 होल्ड, या हेल्प, या थैंक यू। सो मुझे आजकल क्वाड्स से ज़्यादा हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करना पसंद आ रहा है, बिकॉज क्वाड्स जब आप ट्रेन करते हो तो आई फील लाइक लॉन्ग रन में आपके नीज़ एक बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। एनी क्वाड मूवमेंट दैट यू डू विल इन्वॉल्व द नी। स्क्वाट करोगे, नी फ्लेक्शन, लेग एक्सटेंशन करोगे, पीक कॉन्ट्रैक्शन पे नीज़ पे थोड़ा सा लोड आता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म हेल्थ, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की अगर बात की तो मैं हैमस्ट्रिंग्स को सचमुच बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करते वक्त ऐसे कोई हर्डल्स कभी नहीं आया है। इट्स ऑल वेरी कम्फर्टेबल। मैं हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स को अपर बॉडी से अगर कंपेयर किया तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से कंपेयर करूँगा। ट्राइसेप्स ट्रेन करते वक्त जब आप एक ट्राइसेप पुश डाउन करते हो आपके एल्बोज इन्वॉल्व होते हैं, राइट? दैट इज़ वेरी सिमिलर टू अ लेग एक्सटेंशन, आई थिंक ऑफ इट दैट वे। और बाइसेप्स के लिए कितना सिंपल है, आप कौन सा भी कर्ल लगाते हो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, इसीलिए आई हैव रियली बीन एन्जॉइंग इट। हमने 3 सेट्स लगाए सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल के, 89 89 82, तीनों सेट्स हमने फेलियर तक किए। अब हम जाके हमारे हैमस्ट्रिंग्स को फिनिश ऑफ करेंगे ऑन द लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। अभी मैं जिस पॉइंट में हूँ मेंटली, उस पॉइंट पे बहुत सारे लोग फेल करते और वो क्विट करते, दे वुड प्रॉबेबली एंड द ट्रेनिंग सेशन। पर मेरे अंदर एक बहुत रिलेंटलेस ड्राइव है कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, इसीलिए जब मैं जिम में रहता हूँ तो मुझे जिम तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू स्टिम्युलेट मसल। सो क्वाड्स के 10 सेट्स हो गए हैं, हैमस्ट्रिंग्स के 6 सेट्स हो गए हैं। एट दिस पॉइंट लोगों का जो पेन थ्रेशोल्ड है, इवन मेरा पेन थ्रेशोल्ड 3 साल पहले इतना हाई नहीं था जितना अभी है। सो सबको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही फिजिकल गेम है, पर आई फील लाइक उसको ज़्यादा एक मेंटल कंपोनेंट है। और अगर आपके माइंड में विल है पुश करने का, देन योर बॉडी विल बिकम अ स्लेव। सो अभी मेरा विल, मेरी जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे जिम तब तक नहीं छोड़ना है जब तक मैं एडक्टर्स के 6 सेट्स, काफ्स के 6 सेट्स नहीं करता। सो आई हैव इट, माई माइंड इज़ इन द राइट प्लेस राइट नाउ, सो वील मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और अगर आप अभी इस पॉइंट पे नहीं हो, जस्ट स्टिक विथ इट, द ओनली थिंग दैट विल हेल्प इज शोइंग अप एवरी डे। Ugh.
ये एक काफ़ी डिसेंट लेग सेशन था। मैं नहीं कहूँगा कि ये ज़िंदगी का ऐसे बेस्ट लेग सेशन था, क्योंकि हमारे जो भी कंडीशंस थे, जॉइंट्स, सोरनेस, इन सारी चीज़ों की वजह से हम लेग एक्सटेंशन पे अच्छे से पुश कर पाए। पर वो जो प्रेसिंग मूवमेंट रहती है, जो हैवी प्रेसिंग मूवमेंट लगाने का सेटिस्फैक्शन होता है, वो एज सच नहीं था। बट इट्स ओके, लेग्स हम वापस 4 दिनों में ट्रेन करने वाले हैं, तो उस वाले लेग डे पे हम अच्छे खासे प्रेसिंग मूवमेंट्स लगाएंगे। और वो जो रिवर्स हैक स्क्वाट थी, वो मुझे इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई थिंक 1 साल हो गया जब से मैंने वो मूवमेंट किया, बट इट फेल्ट सुपर नाइस। इसीलिए अगले लेग डे के जो भी क्वाड सेट्स होंगे, वो आई एम गेसिंग 3 रिवर्स हैक स्क्वाट, 3 लेग प्रेस और 3 लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन अच्छी मूवमेंट है, क्वाड को कम्प्लीटली आइसोलेट करती है, पर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। क्वाड पूरी तरीके से स्ट्रेच हुआ है, पेनफुल पोजिशन, एंड देन आई एम पुशिंग अप। बट ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद हमें एक्चुअली दूसरे वाले आर्यन को घर पे ड्रॉप करना था, क्योंकि उसने टुवर्ड्स द एंड मेरे साथ कार्स ट्रेन किया, और वो आजकल जिम तक और जिम से वापस घर, ये दोनों चल के करता है, जस्ट टू गेट सम स्टेप्स इन। वेरी गुड आइडिया बाय द वे। अगर आप में से कोई जिम के पास रहता है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस वे टू बी अ लिटिल मोर एक्टिव, क्योंकि उसका जॉब भी है, इसीलिए उसको डेडिकेटेड ऐसे शाम को चलने के लिए टाइम नहीं मिलता। बट काब्स ट्रेन किए थे, ही वॉज इन अ लिटिल बिट ऑफ पेन, इसीलिए आज मैंने उसको घर पे छोड़ा। बट बिफोर गोइंग बैक होम, हमने दोराबजीज में एक क्विक स्टॉप बनाया और डिनर के लिए 2 चिकन ब्रेस्ट के स्लाइसेस खरीदे। एक मैं आज खाऊँगा, एक मैं कल खाऊँगा, और ये KP के ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड खरीदा। सो डिनर के प्रेपरेशंस पूरी तरीके से हो गया। बट द रीज़न कि मैं व्लॉग नहीं कर रहा इज़ बिकॉज आज का जो दिन है वो बहुत ही बिजी जाने वाला है। अभी 12:30 बज गए हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ये पोस्ट वर्कआउट मील खाने के बाद हमें बैठना है पढ़ाई करने के लिए। N1 की एग्ज़ाम 3 December 2023 को है, लेस देन 2 मंथ्स टू गो। और फॉर एनीबडी क्यूरियस, मैं अपने जापनीज़ के फ्लैश कार्ड्स स्टडी करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ, उसे अंकी कहते हैं, ANKI। और उस सॉफ्टवेयर पे मैंने एक डेक डाउनलोड किया है इंटरनेट से, फ्री डाउनलोड था, कॉल्ड Core 2K6K। तो जापनीज़ के जो मेन 2000 कांजी कैरेक्टर्स होते हैं N1 लेवल तक, वो प्लस 6000 कॉमन वर्ड्स सॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे हिम, हर, वो सारे पहले आएंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड, क्लोजर टू दैट 6000 मार्क, सारे मुश्किल N1 के हाई लेवल वर्ड्स आएंगे, जो इवन इंग्लिश का मीनिंग मुझे कभी कभी पता नहीं रहता। बट नाउ दैट एग्ज़ाम पास में आ रही है, मेरे इन टोटल 1300 कार्ड्स अभी भी बाकी है। सो फार मैं हर दिन 100 नए कार्ड्स स्टडी करता हूँ, प्लस मेरे पिछले दिनों के रिव्यूज़। बट आई एम थिंकिंग कि क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रही है, मुझे अपनी स्टडिंग इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी है, जस्ट सो दैट वो जो भी नए वर्ड्स है उनको मेरे दिमाग में स्टिक करने के लिए टाइम मिले। सो फ्रॉम 100 आज से वी विल बम्प इट अप टू 150। तो वो प्लस पिछले नहीं, कल के रिव्यूज़ करने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे। तो इसके बाद पढ़ना है, फिर रन के लिए जाना है, दैट इज़ द प्लान फॉर द डे। बट ये है पोस्ट वर्कआउट मील, मैंने बनाया है 3 पूरे अंडे, एकदम मस्त सनी साइड अप, 4 टोस्ट के स्लाइसेस के साथ, ये देखो। और ये जो योक है वो थोड़ा सा रनी है, तो मैं इसे केचप के फॉर्म में इस्तेमाल करूँगा, सॉस के फॉर्म में। टमेटो केचप ख़त्म हो गया है,
तो हम करेंगे जुगाड़, ये योक लेंगे, ओह दैट लुक्स ब्यूटीफुल, और इन एग्स के ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है ये चिंग्स का हक्का नूडल्स मसाला, रियली गुड एडिशन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा था। इवन शाम के जो चिकन सैंडविचेस होते हैं उनमें मैं ये स्प्रिंकल करता हूँ। बट गुड लेग सेशन, अब ये खाएंगे, मे बी आधे घंटे के लिए कुछ देखेंगे एंड देन वी हैव टू गेट टू वर्क। 1 o'clock टू 4:30 हम पढ़ेंगे, एक मील करेंगे और फिर भागने के लिए जाएंगे। सुपर पैक डे, पर करते हैं, ये वीडियो एडिट भी करना है, शुड बी फन। काफ़ी बिजी डे गया। मैंने आपको सुबह जो अंदाज़ा बताया था कि 4:30 बजे हम चलने के लिए जाएंगे, सो सारी पढ़ाई ख़त्म होने के लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, तो बाय 5:30 आई फिनिश्ड। और फिर मैंने ओट्स खाए छोटे से बोल में, 80 grams ऑफ ओट्स, और फिर मैं नीचे गया। सो अगेन द होल रीज़न कि मैं व्लॉगिंग ऐसे नहीं कर रहा इज़ बिकॉज टाइम नहीं है यार, सो इट्स आइदर दिस और इट्स नो वीडियो, और मुझे आप लोगों को एज़ अपडेटेड एज पॉसिबल रखना है। सो ओट्स खाने के बाद अराउंड 6 बजे हम नीचे गए। पहले मैं आधे घंटे के लिए चला एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल वार्म, और उसके बाद मैंने एक क्विक रन किया आज, 5 kilometers का रन कंप्लीट किया इन 26 minutes। तो पेस की अगर बात की तो मेरे लॉन्गर रन्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा क्विक पेस था एंड मज़ा आया, नथिंग टू इंटेंस। तो वो रन ख़त्म होने के बाद आई थिंक 7 बज गए थे और फिर नील का फ़ोन आ गया और हम ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए नीचे सोसाइटी में राउंड्स ले रहे थे, और हम पूरे वॉक के वक्त सिर्फ फूड के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे को ऐसे टाइम पास वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इफ़ यू हैड ओनली 1 meal रिमेनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट वुड दैट बी, लाइक कोई भी, हाँ स्टार्टर्स मेन कोर्स डेजर्ट। तो हमने 1 घंटे सिर्फ फूड की बात की, प्रोबेबली उसकी वजह से हमने नेक्स्ट जो चीज़ की वो की, दैट वॉज कि हम घर के पास के एक ढाबे में गए और हमने एक फुल तंदूरी चिकन ऑर्डर किया, मज़ा आ गया। प्रोबेबली आई वॉज जस्ट हंग्री इसीलिए इतने फूड ओरिएंटेड थॉट्स आ रहे थे, पर वो काफ़ी ज़्यादा चिकन था इसीलिए रात का जो एक स्कूप बचा हुआ रहता है वे का वो मैं आज मोस्टली नहीं लूँगा। अभी प्रेशर कुकर में चिकन कुक हो रहा है तो सैंडविचेस खाएंगे अगले 1 या 1.5 घंटे में और फिर सो जाएंगे। पर मेरे पैर बहुत ही सोर है, आज का रन काफ़ी मुश्किल था वैसे, बिकॉज सोरनेस काफ़ी इंटरफियर करता है, लाइक हैविंग फ्रेश लेग्स वर्सेस हैविंग सोर लेग्स, अगर मुझे एक पिक करना होता आई वुड एनी डे गो विथ फ्रेश लेग्स, पर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एटलीस्ट हमने ये रन कंप्लीट किया, वी डिडंट स्किप इट। तो हमारी 6 day की स्ट्रीक अभी भी चल रही है एंड वी आर गोना कंटिन्यू दिस फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन, मज़ा आ रहा है एंड आई नो दैट यू गाइज आर ऑल्सो लाइकिंग इट। कल हम चेस ट्रेन करने वाले हैं, संडे है और आर्यन और मेरा प्लान पूरा सेट हुआ है, मैं आर्यन और नील जाके कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आर्यन के घर पे देखेंगे एंड लेट्स होप कि क्योंकि नील हमारे साथ आ रहा है वो जो सुपरस्टिशन है वो थोड़ा कैंसिल आउट होता है, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट स्टेप्स की अगर बात की, लेट मी शो यू गाइस, हम है 19,453 इन टोटल आज पूरे दिन, सो अच्छी स्ट्रीक चल रही है। खाना खाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे सोने से पहले, बट दैट इज़ इट फॉर टुडे। अच्छा दिन था, बहुत थक गया हूँ, टाइम नहीं मिल रहा यार आजकल, मैं समहा अभी ये वीडियो भी एडिट करना है। सोचो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो पर ये वीडियो अभी तक बना नहीं है, रात के 10 बज गए हैं, सो जल्दी से एडिट करेंगे सोने के पहले और 12 बजे तक आई शुड बी आउट, 12 to 7:30 मैं सोऊंगा या 12 to 8। कल संडे होने की वजह से जिम भी थोड़ा सा लेट खुलेगा, सो दैट्स दैट। सुपर हैप्पी, कल चेस्ट डे है, हमेशा एक्साइटिंग रहता है, बेंच करेंगे बट कल भी एक बहुत ही फन डे होगा। कल के जो भी चैलेंजेस है ना वो मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे बात करने से, यू गाइज आर ऑल्सो मोर अपडेटेड। बट अगर आप आज भागे नहीं हो, चले नहीं हो, गेट आफ्टर इट, गेट अप।